लगता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सब चीज़ें जो है विजिबिलिटी पर आधार है और ये शो इतना बड़ा है और मतलब नंबर वन शो है तो इस पर प्रमोट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और क्या है कि जो दर्शक है इस शो का उन लोगों को भी मज़ा आएगा हम तीनों को इस शो पर देख कर कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है उनको शो पर। तो मुझे लगता है कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी अक्सर हम लोग शो पर भी प्रमोट करते हैं। इस शो में हम फिल्म में क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं, हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं शो में। एंड वी हैव कम एज आफ्ताब एंड तुषार ऑन दिस शो। हम लोग कैरेक्टर्स बन के नहीं आए, मतलब फिल्म की स्टोरी से आधारित एक अलग कहानी बनाई है एज आफ्ताब तुषार। और उस अवतार में हम इस शो में आए हैं, हम अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स बनकर नहीं आए जो आपको लगेगा कि यार अडल्ट चीज़ें हो रही हैं शो के अंदर। वे प्रमोटिंग इट इन अ वेरी यूनिक वे जो सीरियल के जॉनर के साथ जाती है। इनके टैलेंट से दूर नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ये अपने ये थर्ड फिल्म है क्या कूल है हम सीरीज़ में। एंड ऑफकोर्स आफ्ताब एंड तुषार को आई थिंक ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये फिल्म देखने आएंगे ही आएंगे। कॉमेडी है तो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच कॉमेडी ऑल्सो। लेकिन हाँ, अगर ये गाने ने उसको 5% भी अगर हेल्प करा तो या इट शुड बी एन एडेड एडवांटेज। कोई भी फिल्म में काम करना ईजी नहीं, ईजी या मुश्किल होता है जितना मतलब आप उसे मुश्किल ईजी बनाते हैं अपने आप के लिए। हाउ मच यू एंजॉय वर्क, that's how difficult or easy it becomes. Genre मायने नहीं रखता है कि ये ईजी या मुश्किल है। एंड कॉमेडी इज़ ऑल्सो सीरियस बिजनेस, जैसे कि सीरियस फिल्में सीरियस बिजनेस होती है, कॉमेडी भी सीरियस बिजनेस ही है। काम कभी ईजी होता नहीं है, एंटरटेन करना लोगों के लिए ईजी नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कॉमेडी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रुलाना तो आप किसी दिल में यू नो आप तार छू जाते हो तो इंसान बहुत ईजिली रोता है, लेकिन कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दीज गाइज डू अ फैब जॉब ऑफ इट।